तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोहों में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं हमारे युवाओं के लिए यह स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था सामाजिक संघर्ष आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है प्यारे देशवासियों इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी इसका कारण इस स्पष्ट है पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जनता ने पूरा सहयोग दिया इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं ऐसे डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य पुलिसकर्मी सफाई कर्मचारी डिलीवरी स्टाफ परिवहन रेल और विमानन कर्मी विभिन्न सेवा प्रदाता सरकारी कर्मचारी समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जब गांव और नगर में कामकाज रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और राहत पानी और बिजली परिवहन और संचार सुविधा दूध और सब्जी भोजन और किराने का सामान दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े ये अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हैं ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहे इसी दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गईं इस आपदा के दौरान जानमाल की क्षति को कम करने में आपदा प्रबंधन दलों केंद्र और राज्य की एजेंसियों तथा सजग नागरिकों के एकजुट प्रयासों से काफ़ी मदद मिली पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में देशवासियों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है इस तरह की आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं प्यारे देशवासियों इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ है संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है ताकि महामारी के कारण नौकरी गंवाने एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा जीवन के अस्त व्यस्त होने के कष्ट को कम किया जा सके लोगों की मदद के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है इन प्रयासों में कार्पोरेट सेक्टर सिविल सोसाइटी और नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े इसके लिए ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के दुनिया के सबसे बड़े इस अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया इस अभियान से हर महीने लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित किया गया राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकें इसके लिए सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया जा रहा है दुनिया में कहीं पर भी मुसीबत में फंसे हमारे लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है भारतीय रेल द्वारा इस चुनौतीपूर्ण समय में ट्रेन सेवाएं चलाकर वस्तुओं तथा लोगों के आवागमन को संभव किया गया है अपने सामर्थ्य में विश्वास के बल पर हमने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है अन्य देशों के अनुरोध पर दवाओं की आपूर्ति करके हमने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत संकट की घड़ी में विश्व समुदाय के साथ खड़ा रहता है क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने में हमारी अग्रणी भूमिका रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में मिला भारी समर्थन भारत के प्रति व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रमाण है भारत की यह परंपरा रही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ कार्य करते हैं भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं सक्षम होना है दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं इसका अर्थ यह भी है कि भारत वैश्विक बाजार व्यवस्था में शामिल भी रहेगा और अपनी विशेष पहचान भी कायम रखेगा प्यारे देशवासियों आज विश्व समुदाय वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व एक ही परिवार है कि उस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले ही कर दिया गया था लेकिन आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है फिर भी कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा हमें अपने सशस्त्र बलों पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं मेरा मानना है कि कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की रक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है हमने मौजूदा संकट को सबके हित में विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों के हित में समुचित सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के अवसर के रूप में देखा है कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं अब किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी मेरे प्यारे देशवासियों वर्ष 2020 में हम सब ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे एक अदृश्य वायरस ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है मेरा मानना है कि सही राह पकड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित जीवन शैली को अपनाने का अवसर मानवता के सामने अभी भी मौजूद है जलवायु परिवर्तन की तरह इस महामारी ने भी यह चेतना जगाई है कि विश्व समुदाय के प्रत्येक सदस्य की नियति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है मेरी धारणा है कि वर्तमान संदर्भ में अर्थ केंद्रित समावेशन से अधिक महत्व मानव केंद्रित सहयोग का है यह बदलाव जितना अधिक व्यापक होगा मानवता का उतना ही अधिक भला होगा इक्कीसवीं सदी को उस सदी के रूप में याद किया जाना चाहिए जब मानवता ने मतभेदों को दरकिनार करके धरती मां की रक्षा के लिए एकजुट प्रयास किए दूसरा सबक यह है कि प्रकृति रूपी जननी की दृष्टि में हम सब एक समान हैं तथा अपने जीवन की रक्षा और विकास के लिए मुख्यतया अपने आसपास के लोगों पर निर्भर हैं कोरोना वायरस मानव समाज द्वारा बनाए गए कृत्रिम विभाजनों को नहीं मानता है इससे यह विश्वास पुष्ट होता है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए हर प्रकार के पूर्वाग्रह और सीमाओं से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है भारतवासियों में परस्पर सहयोग और करुणा की भावना दिखाई देती है हमें अपने आचरण में इस सद्गुण को और अधिक समाविष्ट करना चाहिए तभी हम सबके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं तीसरा सबक स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत करने से जुड़ा है सार्वजनिक अस्पतालों और प्रयोगशालाओं ने कोविड 19 का सामना करने में अग्रणी भूमिका निभाई है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कारण गरीबों के लिए इस महामारी का सामना करना संभव हो पाया है इसलिए इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक विस्तृत व सुदृढ़ बनाना होगा चौथा सबक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है इस वैश्विक महामारी से विज्ञान और टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता पर और अधिक ध्यान गया है लॉकडाउन और उसके बाद क्रमशः अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान शासन शिक्षा व्यवसाय कार्यालय के कामकाज और सामाजिक संपर्क के प्रभावी माध्यम के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है इस माध्यम की सहायता से सभी भारतीयों का जीवन बचाने और कामकाज को फिर से शुरू करने के उद्देश्यों को एक साथ हासिल करने में मदद मिली है केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यालय अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बड़े पैमानों पर वर्चुअल इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका ने वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई को अपनाया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने तथा अन्य अनेक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए राष्ट्रपति भवन में भी हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं आईटी और संचार उपकरणों की सहायता से डिस्टेंस एजुकेशन तथा ई लर्निंग को बढ़ावा मिला है कई क्षेत्रों में अब घर से काम करने का ही प्रचलन हो गया है प्रौद्योगिकी की, की सहायता से सरकारी और निजी क्षेत्रों के अनेक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान्य स्तर से कहीं अधिक कामकाज करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की गई है इस प्रकार हमने यह सबक सीखा है कि प्रकृति से सामंजस्य रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने से हमारे अस्तित्व और विकास की निरंतरता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी ये सभी सबक पूरी मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे आज की युवा पीढ़ी ने इन्हें भली भांति आत्मसात किया है और मुझे विश्वास है कि इन युवाओं के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है यह दौर हम सभी के लिए कठिन है हमारे युवाओं की कठिनाई तो और भी गंभीर दिखाई देती है शिक्षण संस्थानों के बंद होने से हमारे बेटे बेटियों में चिंता पैदा हुई होगी और फिलहाल वे अपने सपनों और आकांक्षाओं को लेकर चिंतित होंगे मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि इस संकट पर हम विजय हासिल करेंगे और इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में आप सभी युवाओं को निरंतर जुटे रहना चाहिए इतिहास में ऐसे प्रेरक उदाहरण उपलब्ध हैं जहां बड़े संकटों एवं चुनौतियों के बाद सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य नई ऊर्जा के साथ किया गया मुझे विश्वास है कि हमारे देश और युवाओं का भविष्य उज्जवल है हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है मुझे विश्वास है कि इस नीति से गुणवत्ता से युक्त एक नई शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी हमारे युवाओं को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपने विषयों को चुनने की आज़ादी होगी उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा हमारी भावी पीढ़ी इन योग्यताओं के बल पर न केवल रोजगार पाने में समर्थ होगी बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी और दूरगामी नीति है इससे शिक्षा में इंक्लूजन इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन की संस्कृति को मजबूती मिलेगी नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में अध्ययन को महत्व दिया गया है जिससे बाल मन सहजता से पुष्पित पल्लवित हो सकेगा साथ ही इससे भारत की सभी भाषाओं को और भारत की एकता को आवश्यक बल मिलेगा किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए उसके युवाओं का सशक्तिकरण आवश्यक होता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक बड़ा कदम है प्यारे देशवासियों केवल दस दिन पहले अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है देशवासियों ने लंबे समय तक धैर्य और संयम का परिचय दिया और देश की न्याय व्यवस्था में सदैव आस्था बनाए रखी श्री राम जन्मभूमि से संबंधित न्यायिक प्रकरण को भी समुचित न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत सुलझाया गया सभी पक्षों और देशवासियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और शांति अहिंसा प्रेम एवं सौहार्द के अपने जीवन मूल्यों को विश्व के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों जब भारत ने स्वाधीनता हासिल की तो कुछ लोगों ने ये आशंका जताई थी कि लोकतंत्र का हमारा प्रयोग सफल नहीं होगा वे हमारी प्राचीन परंपराओं और बहुआयामी विविधता को हमारी राज्य व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के मार्ग में बाधा समझते थे लेकिन हमने अपनी परंपराओं और विविधता को सदैव अपनी ताकत समझकर उनका संवर्धन किया है और इसीलिए दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र इतना जीवंत है मानवता की भलाई के लिए भारत को अग्रणी भूमिका निभाते रहना है आप सभी देशवासी इस वैश्विक महामारी का सामना करने में जिस समझदारी और धैर्य का परिचय दे रहे हैं उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है मुझे विश्वास है कि आप सब इसी प्रकार सतर्कता और ज़िम्मेदारी बनाए रखेंगे हमारे पास विश्व समुदाय को देने के लिए बहुत कुछ है विशेषकर बौद्धिक आध्यात्मिक और विश्व शांति के क्षेत्र में इसी लोक मंगल की भावना के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ दुख भाग भागवे अर्थात सभी सुखी रहें सभी रोग मुक्त रहें सब लोग अच्छाइयों पर ध्यान दें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े संपूर्ण विश्व के कल्याण का यह संदेश मानवता के लिए भारत का एक अनूठा उपहार है एक बार फिर आप सबको चौहत्तरवें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ धन्यवाद जय हिंद